गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ए की प्रिया। कैसे हो आप लोग? और देखो आज हम कितना दिन के बाद बिंदी लगाए। पता है हम बिंदी लगाते नहीं है, जो भी लगाएंगे तो भी गिर जाएगा इसमें, जो चिपकता ही नहीं है। मतलब कुछ भी ऐसा से रब के अब चेहरा पे फिर ऐसे टच करो तो अब बिंदी गिर जाता है। अब कभी गिरता है क्या? मेरा तो हमेशा ही गिर जाता है। अभी थोड़ी देर पहले दूसरी बिंदी लगाए थे तो वो गिर गया था, ये दूसरी वाली बिंदी है। सोचो कि कुछ आप लोगों से बात कर लूँ, और जो हम ऑनलाइन साड़ी मंगवाए थे आपको दिखाए थे पिछले वाले ब्लॉग में, आप जाकर देख लेना। उसमें हम आपको दिखाए थे कि जो साड़ी मंगवाए थे तो उसका हम सूट स्टिच करा लिए, क्योंकि आपको पता है कि हम साड़ी बहुत कम ही यूज करते हैं, तो इसलिए उसका सूट ही बना लिया। हम बहुत अक्सर जो हमको साड़ी पसंद आता है उसको हम रीयूज कर लेते हैं, उसका सूट बना लेते हैं और उसको अच्छे से यूज करते हैं। साड़ी रहता है तो उसमें कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, पल्लू संभालो, साड़ी संभालो नहीं हो पाता, कैरी हम नहीं कर पाते। शुरू से स्टार्टिंग से हम बहुत कम साड़ी पहने को, पता नहीं क्या, गाँव में रहो तो साड़ी पहनो तो कैरी करने का आदत हो जाता है, बट वैसा नहीं है। हम ससुराल में भी थे तो साड़ी नहीं पहनते थे, जैसे ऐसे कैजुअल ड्रेस नहीं रहते थे। कभी नहीं हमको साड़ी याद नहीं कि हम साड़ी कभी पहने होंगे, ओकेजनली पहन लेते बट वैसे हम साड़ी पहनते नहीं है। तो अब पहले तो आइडिया नहीं था कि साड़ी का आप ये बनवा सकते हो, ये कर सकते हो। अभी तो बस हमको ढेर सारा आइडिया आता है और यूट्यूब को भी देखते रहते हैं तो हमको बहुत सारा ढेर सारा आइडिया आता है। तो हम उसका अब स्टार्टिंग कर ली कि जो भी हमको अच्छा साड़ी जो पसंद आता है उसको अच्छा सा कुछ भी, जैसे मैक्सी ड्रेस हो। वैसे तो मेरा आप ब्लॉग देखे हो तो उसमें बहुत सारा मैक्सी ड्रेस ही ज़्यादा पहनते हैं, तो मैक्सी ड्रेस हम उसका स्टिच करा देते हैं जो भी कॉस्ट लगे। क्योंकि देखो आप साड़ी तो यूज कर नहीं सकते, अगर आप नहीं पहनते हो कैरी कर लेते हो पहन लेते हो तो फिर तो कोई बात नहीं, आप इसको साड़ी पहन के यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं पहनते तो वो रखा रखा भी साड़ी आपका ख़राब ही हो जाएगा, तो इससे अच्छा उसको रीयूज़ करो, उसका कुछ भी आप बनवा लो। साड़ी का ये नहीं कि मैक्सी ड्रेस, मतलब कुछ भी आप बना सकते हो साड़ी का, तो हम वही बनवा लेते हैं साड़ी। अभी भी मेरे पास साड़ी जो है उसका बना ली है, अभी भी साड़ी है लेकिन पहनते नहीं है। तो चलो आपको दिखाते हैं कि हम जो साड़ी मंगवाए थे उसका हम कैसा ड्रेस बनवाए। तो ये रहा जो हम साड़ी का बनवाए, बहुत टाइम लगता है बनाने में भी। ये बैक साइड है और पता है इसका ये जो फीता रहता है हमको बहुत अच्छा लगता है। कोई भी ब्लाउज में इसी टाइप का दिलवाते हैं, रिकॉर्ड सुपर वाले का कुछ दिखा दें इस टाइप का। हम एक और कपड़ा लेकर क्या बोलते हैं उसको, चंदेरी वाला कपड़ा जो आता है ना, उसको लेकर हम इसी टाइप का मैक्सी ड्रेस बनाया हुआ, बट वो कभी पहने नहीं, कभी पहनेंगे तो फिर दिखा देंगे इसे। ये पूरा नीचे तक, ये ना नीचे, ये इसका ये नीचे वाला पहले साड़ी में ही था ये वाला, तो इसको नीचे तक दिलवा दिए और भी ज्यादा फिट हो जाता है। और आजकल फिर से ट्रेंड में चला गया फुल स्लीव वाले सूट या फिर ब्लाउज का फुल स्लीव वाले। ये शोल्डर थोड़ा सा ये ज़्यादा, ये क्या बोलते हैं, इसका चौड़ाई हो गया, क्योंकि शोल्डर हम उतना ज़्यादा चौड़ा पहनते ही नहीं, बट हो गया तो क्या करना है। कपड़ा
गला ही इसका छूट गया था, ऐसा गला और ज्यादा बड़ा हो गया ज्यादा अच्छा लगता इसका घी देखो कितना ज्यादा पूरा जो भी साड़ी था उसका, और साइड में सिप भी लगा दी हुई है क्योंकि ये जिप अगर आप लगवाते हो तो यहाँ बॉडी में जो है ना पूरा फिटिंग होगा और खोलने में भी बनेगा, तो अगर जिप नहीं होगा तो आपको खोलने में नहीं बनेगा और फिटिंग भी नहीं होगा, और जब तक सूट आपका फिटिंग नहीं हो तब तक तो अच्छा भी नहीं लगता और नहीं था। देखो आप लूज़ वैसे ही कपड़ा पहन सकते हो, जो आप लूज़ कपड़ा वैसे ही पहन सकते हो जैसे कि आपको कोई भी अच्छा लगे, जैसे कि हम यही टॉप डाले तो ये सबका लुक ही आता है, वैसे कि लूज भी पहनो तो उसमें अच्छे दिखोगे आप। कोई ऐसा कपड़ा पहनो जो लूज भी हो और अच्छे भी नहीं लगो तो ये भी तो अच्छा नहीं लगेगा, आपका बॉडी का शेप ही खराब हो जाएगा, और आप अच्छी भी हो और आपका कपड़ा पहनने का वो ड्रेस सेंस या फिर अच्छा नहीं है तो वो भी खराब कर देता है। तो कोई भी चीज़ पहनो तो थोड़ा सा सोच समझ कर और ड्रेसिंग सेंस लगा कर पहना करो, क्योंकि सडन तो नहीं आता है बट हाँ धीरे धीरे करते करते वो आइडियाज़ आएंगे और आप अच्छे से अपने अपने लुक को क्रिएटिव मेकओवर खुद से कर सकते हैं। जैसे कि हम खुद से ये करते 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 ढेर सारे आइडियाज़ सूट बनवाना, ये करना वो करना, ढेर सारा हम सब चीज़ आप खुद से करते करते, ये नहीं कि हमको कोई सिखाया कि तुम ये कर वैसे, ऐसा कुछ नहीं, हमको कभी कोई नहीं सिखाया, बस हम खुद से ही करते 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 सब कुछ आ गया, सब कुछ। एक्चुअली हमको खाना बनाने भी नहीं आता था पहले, बहुत पहले जब मेरी शादी हुई थी तुमको खाना भी बनाने नहीं आता था, तो अब तो सब कुछ है, आप यूट्यूब पे गूगल पे कुछ भी सर्च करके देख सकते हो कि क्या कैसे। तो प्लीज़ मेरा सूट देख कर बताना कि कैसा लगा, और पहनेंगे तो फिर दिखाएंगे, बस हम ऐसे ही आपको दिखा दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हम कुछ भी अगर मंगवाते हैं और एक ऑनलाइन मंगवाते हैं, एक रूम का भी मेरा कुछ कंडीशन बहुत ख़राब हो गया है, एकदम पूरा मैसी हो गया है, अब बेचारा उसको चेक करना है, उसको फोल्ड करके अच्छे से रख दे, नहीं तो ऐसा रहेगा तो फिर ये खराब ही हो जाएगा। एक और मंगवाए थे सूट तो वो हम दिखा देंगे आपको, और पता है इसका स्टिचिंग हाँ आप ऐसा ड्रेस बनवाते हो तो उसका कॉस्ट तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, बट वो कॉस्ट ज़्यादा आएगा बट वो आप ओकेजनली पहन सकते हो, घर में तो नहीं, बट हाँ जैसे बाहर गए या फिर घर में कोई फंक्शन हुआ, किसी कोई पार्टी में गए तो आप पहन सकते हो। यहाँ पे क्या हो गया ना कि अब तो शूट का इतना ज़्यादा सब महंगाई हो गया है, सब सूट का हो या फिर ब्लाउज का हो, पेटी कोट का तो खैर छोड़ो, खैर कोई बात नहीं, बट ब्लाउज का हो सूट का कितना ज़्यादा स्टिचिंग प्राइस हो गया सबका, बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम स्टिचिंग कराते नहीं, और कराते हैं तो अच्छे से कराते हैं कि मतलब कि हमेशा चल सके, सब ओकेजनली पहन सके, कभी घर में भी उसको जैसे कि छोटा मोटा भी पूजा हुआ तो उसको यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं, अब इतना स्टिचिंग करा लो और फिर उसको तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते यार इतना, तो हम इससे अच्छा ज़्यादा होता है तो हम जो स्टिचिंग प्राइस का जो होता है उसको हम ऑनलाइन प्रोडक्ट ही मंगवा लेते, सबसे अच्छा बेस्ट रहता है, अपना पैसा भी आपका कुछ बचत हो जाता है। और अब होता है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट आप स्टिचिंग में जो पैसा लगा तो उसी पैसा से आपको परफेक्ट साइज का कपड़ा आ जाता है, तो स्टिचिंग कराने का कोई जरूरत भी नहीं है, फिर कपड़ा खरीदो फिर उसका स्टिच दो, स्टिचिंग प्राइस दो, और फिर क्या होता है ना कि अब सिंपल तो आप पहनोगे नहीं उसका फिर उसका डिज़ाइन भी होता है, तो डिज़ाइन का एक अलग से ही प्राइस होता है, तो वो भी लगेगा, तो ये तीनों
आप कपड़ा का स्टिचिंग का फिर उसका डिज़ाइन का प्राइस तीनों तो लगता ही है सूट में, तो इससे अच्छा हम क्यों नहीं ऑनलाइन ही ऑर्डर प्रोडक्ट जो भी कपड़ा हो उसको मंगा कर आप पहने, जो भी पैसा आप उसमें लगाएंगे वो पैसा हम ऑनलाइन प्रोडक्ट लेकर घर में उसको आराम से कम पैसे में उसको यूज कर सकते हैं और अच्छे से। तो हम ऐसे ही करते हैं, हम बहुत कम ही स्टिच कराते हैं सूट। और अभी जो आपको दिखा वो भी मेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया है पैसा, सो कुछ ज़्यादा ही लग गया है पैसा, तो खैर कोई बात नहीं। ऐसा हम तो हमेशा तो पता ही है कि हम नहीं कराते, कभी कभार कराते हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है। और एक और हम ये है और एक ये है, तो ये भी आपको पता ही होगा, ये हम ब्लाउज स्टिच कर होगा करा के जो मंगाए थे, हम दिखा देंगे मैं इसको, ये भी कॉस्टली ही है, इसमें पैसा लगा है। आज तो थर्सडे है तो नेल कार्ड भी नहीं सकते, देखो मैंने लो कैसे तो ये अलग से ब्लाउज लेकर कपड़ा लेकर स्टिच कराए हैं, दिखाते हैं फिर। तो ये जो हम ब्लाउज बनवाए हैं तो इसको आप साड़ी पर भी यूज़ कर सकते हैं और क्रॉप टॉप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वैसा ही हम ये ब्लाउज स्टिच कराए हैं, पैसा तो लगा है बट किसी भी चीज़ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, वैसा चीज़ बनाते हैं, एक बार पैसा लगाते हैं और सब चीज़ पे उसको यूज कर लेते हैं। एक मिनट मेरा ये बनवाए थे कपड़ा लेकर, इसमें भी ज़्यादा ही मेरा पैसा लग गया। ये बैग का ये थोड़ा सा और ज़्यादा डीप होता, खैर कोई बात नहीं, ब्लाउज का नाप भी मेरा गलत हो गया था तो फिर क्या करते हैं, बनना ही था सोचा, खैर कोई बात नहीं उसको पहनने। और ये मेरा लटकन देखो, इसमें भी हम यही लगवाए थे क्योंकि हमको ये वाला डिज़ाइन है बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिटी लगता है। और ये वाला रफेल वाला क्या बोलते इसको, रफेल या रफेल अरे, बट ये वाला डिज़ाइन हमको ये अच्छा लगा है। अभी न्यू ट्रेंड में चला हुआ है, ये ट्रेंड में क्या है, बहुत पुराना ही हो चुका है, मतलब हम फर्स्ट टाइम सिलाए तो सब लोग। और ये पहन के हम एक रील्स दो तीन रील्स भी बनाए थे, दो दिन कल बनाए थे कुछ क्या भी हम। तो आप इसको क्रॉप टॉप पे भी पहन सकते हैं, साड़ी पे भी पहन सकते हैं, सब ऐसा बनवाओ पैसा लगाओ और सभी पे इसको यूज़ करते हैं। और हम एक ये मेरा लहंगा, हम ये भी इसको साड़ी कहीं सिलवाए में देखो, और ये लटकन हम खुद से लगाए इसका और नीचे लेस ये पूरा। हम ये सब बुटीक से ही सिलवाते हैं हमेशा, कोई ये टेलर वगैरह को नहीं देते, जो टेलर वगैरह को दो ना तो वो अच्छा से नहीं बनाते या फिर हमको सेटिस्फेक्शन उससे नहीं हो पाता है, तो हम बुटीक में ही जाते हैं, उनको जैसा बोलते हैं वैसा बना देते हैं। तो ये भी साड़ी की ही है लहंगा टाइप के, तो इसको आप किसी चीज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये था मेरा आज का ड्रेसिंग सेंस कि हम कैसे पहनते हैं, हम अपना कपड़ा कैसे उसको रीयूज कर लेते हैं, कोई भी चीज़ को पैसा तो लगता है बट हाँ रीयूज कर लेते हैं उसको। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा का भी ख्याल रखा करो। और जा रहे अभी बहुत सारा काम हो गया है घर में, सब कपड़ा सब ऐसे ही बिखरा पड़ा है तो हमको तो सब सेट करना होगा। मैं मम्मी से बात कर रहे थे तो मम्मी को बोले मम्मी फ़ोन रखो, किसी से नहीं बात करते या किसी से भी नहीं, बस एक मम्मी से बात करते बस और किसी से भी नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। और वो पता नहीं क्या क्या किसी के ये नहीं कि हाँ बात करो, समटाइम्स कभी कभार सबसे बात कर लेना चाहिए, फैमिली मेंबर हो या फिर जिससे आपको अटैचमेंट हो कभी समटाइम्स बात कर लेना चाहिए। ये नहीं कि डेली आप लगे रहो तो किसी को भी लगे कि हाँ डेली फ़ोन ही कर देती, नहीं होता है ऐसा। तो इसको जाते हैं सब, आपको इसको रख लेना सबका कवर ही। तो चलो फिर आपसे मिलते हैं बाद में, ओके बाय, लव यू एंड टेक केयर।